आप सभी को राम राम। आज हम ब्रेड के स्लाइसेस से मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। और अगर आपको मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये मिठाई तो आपको बहुत ही ज़्यादा भाएगी, आपको बहुत पसंद आएगी। इसे बनाने के लिए हमने 4 ब्रेड के टुकड़े लिए हैं। इनके किनारे वाला भाग हम हटा देंगे, ब्राउन वाला पार्ट कैंची से या फिर चाकू से काट कर हटा देंगे। हमने 4 ही ब्रेड लिए हैं, अगर आपको और ज़्यादा बनाना हो तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। किनारे हटाने के बाद इन्हें हम बीच से कट कर लेंगे बराबर से, और कट करने के बाद इनके हाफ वाले पार्ट से फिर इन्हें हाफ़ कर लेंगे, उनके भी 2 टुकड़े कर लेंगे बीच से बराबर बराबर। ये देखिए, इसी तरह से हमें टुकड़े काटने हैं। पहले ब्रेड को बीच से 2 भाग कर देंगे, इसके बाद इसके भी जो 2 भाग हैं उनके भी 2-2 भाग कर देंगे। बाकी की ब्रेड ऐसे ही काट कर टुकड़े तैयार कर लेंगे और किनारों को हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। इसे हटा देते हैं। अब हमने लिया है मिक्सी का जार, छोटा वाला। इसमें 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे। इसके साथ ही इसमें हमने थोड़े से काजू और बादाम लिए हैं, 3-3 लिए हैं, इन्हें भी डाल देंगे। थोड़ा सा इलायची का पाउडर, अगर ये ना हो तो साबुत इलायची डाल देंगे 2-3, और इसे पीस लेंगे, बढ़िया सा पाउडर बना लेंगे। ये पाउडर बनकर तैयार हो गया है, सारी चीज़ें बढ़िया से एकदम पीस चुकी हैं। ऐसे ही हमें इसे पीस कर तैयार कर लेना है। अब ये मेरे पास दूध था, 2 लीटर दूध था मेरा जो कि फट गया, तो मैंने उसी में से थोड़ा सा 1 कटोरी दूध ले लिया है। इसे हम छान कर इसका पानी अलग कर देंगे और इसका छेना जो है, जो पनीर निकलेगा, उसको इस्तेमाल करेंगे इस मिठाई को बनाने के लिए। हमने छान लिया है, इतना सा छेना निकला है। गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है मोटे तले की, और इसमें डाल दिया है 1/4 कप दूध, और इसी दूध के साथ इसमें हमने 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है, नॉर्मल चम्मच से ही डाला है, थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब नॉर्मल दूध लिया है। दूध गर्म नहीं है, ठंडे दूध में ही हमने मिल्क पाउडर को डाला है, और इसे कलछी से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये दूध में पूरी तरह से मिल जाए और इनकी गांठें भी ख़त्म हो जाएं। गैस को ऑन नहीं किए थे। जब दूध और मिल्क पाउडर अच्छे से मिल जाएंगे उसी टाइम हम गैस ऑन करेंगे। पहले से गैस ऑन कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत गांठें पड़ जाती हैं इसमें, फिर बहुत ज़्यादा समय लगता है मिक्स करने में। गैस ऑन करने के बाद जो हमने पाउडर चीनी का बनाकर तैयार किया था उसको डाल देंगे इसी में, और मीडियम आंच पर इसे चलाते हुए पकाएंगे। जैसे इसमें थोड़ा सा उबाल आने लगेगा, जो फटे हुए दूध से हमने छेना निकाला था वो 1/2 कप के करीब था, उसको इसी में मिला देंगे। छेना डालने वाली वीडियो मेरी मिस हो गई है तो आप लोग मिला दीजिएगा। और मिलाने के बाद इसे हमें अच्छे से गाढ़ा करना है, पकाना है, लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे जब तक कि इसका टेक्सचर मावा की तरह ना हो जाए। और ये देखिए, थोड़ी देर में ऐसे ही हो गया है। मेरी वीडियो मिस हो गई थी और वो मिल ही नहीं रही है, पर आप लोग जब चीनी का पाउडर डालें और जैसे ही दूध में उबाल आने लगेगा उसे डाल दीजिएगा। ये बढ़िया से पक के तैयार हो गया है, एकदम इकट्ठा हो गया है। गैस बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमें एक पतली सी चाशनी तैयार करनी है, तो मेरे पास ये पहले की चाशनी पड़ी हुई है, मैं इसी से ही चाशनी तैयार कर लूँगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने खाजा बनाया था और करवा चौथ पर मीठी मट्ठी तैयार की थी, तो चाशनी बच गई थी तो उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। इसी का इस्तेमाल करके हम अभी चाशनी तैयार करेंगे। आपके पास चाशनी ना हो तो आप 1/4 कप चीनी और 1/4 कप पानी लेकर के चाशनी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है, 1/4 कप जितना। पानी में उबाल आने लगेगा तो मैं ज़रा सा फूड कलर, अपनी पसंद का कोई सा भी, डाल देंगे 1 चुटकी। आज मैंने हरे कलर का इस्तेमाल किया है। पानी उबल रहा है तो इसी टाइम मैंने जो चाशनी मेरी पड़ी हुई है उसी में से मैंने 2 चम्मच इसमें चाशनी डाल दी है। अभी मैंने 1 चम्मच डाला है, ये थोड़ा बड़ा चम्मच है,
और ये दूसरा चम्मच डाल दिया है। गैस की आंच को तेज रखें हैं और इसे चलाते हुए इसमें उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। चाशनी बहुत थोड़ी है, बहुत जल्दी उबाल आने लगेगा इसमें। और यहाँ पर देखिए बढ़िया सा उबाल आ गया है, चाशनी हमारी बनकर तैयार है। इसमें हमें कोई तार वगैरह नहीं चेक करना है, बस चीनी अच्छे से घुल जाएगी तो एक डेढ़ मिनट अच्छे से उबाल लेंगे। या फिर अगर आपको चेक करना हो तो थोड़ी सी चाशनी उंगली पर लगा कर देखेंगे। ये देखिए इस तरह से लगा लिया है और अंगूठे से हम इसे ऐसे ऐसे अगर गोल गोल रगड़ेंगे तो चिपचिपा सा और चिकना सा फील होगा। बस ऐसे ही हमें इसे बंद कर देना है क्योंकि ये ठंडी होगी तभी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी हमें नहीं बनानी है, इसे हटा देते हैं। फिर से गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी। हम मिठाई बना रहे हैं इसलिए हमें देसी घी डालना है, मिठाइयाँ देसी घी की ही अच्छी लगती हैं, फिर चाहे थोड़ी ही क्यों ना खाएं। और घी को गलने देंगे, घी बढ़िया से गर्म हो जाएगा तो आँच को कम कर देंगे और जो ब्रेड के हमने स्लाइसेस कट किए थे उनको इसी घी में डाल के हमें फ्राई करना है। घी में डालने के बाद जब ये एक साइड से सुनहरे हो जाएंगे तो इनको पलट के हमें दूसरे साइड से भी बढ़िया सा सुनहरा कलर आने तक फ्राई करना है। और इसके बाद इन्हें घी से बाहर निकाल लेंगे और बाकी के जितने भी पीसेस हमें बनाने हैं मिठाइयों के उतने ही ब्रेड हम इसी तरह से घी में डालेंगे और दोनों साइड से सुनहरा कर लेंगे उनको। और सुनहरा करने के बाद घी से बाहर निकाल लेंगे। हमने ज़रूरत के हिसाब से ब्रेड को फ्राई कर लिया है और अब हम इनकी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ये हमने ब्रेड ले लिए हैं और जो हमने चाशनी तैयार की है उसको भी रख लेंगे पास में। और ये मावा जो हमने तैयार किया था चाशनी ठंडी भी हो गई और मुझे तो थोड़ा गाढ़ी भी लग रही है, इतनी ज़्यादा गाढ़ी चाशनी अगर ना भी रहे तब भी चलता है पर ठीक है। ये देखिए हमने ब्रेड के टुकड़े लिए और इसे चाशनी में हल्का सा कोट कर लिया दोनों साइड से। चाशनी में भिगा कर छोड़ना नहीं है, सिर्फ हल्की हल्की सी चाशनी इनके ऊपर लगानी है ताकि इनमें थोड़ा सा मिठास भी आ जाए और इनका कलर भी देखने में अच्छा लगे, मिठाइयाँ देखने में अच्छी लगे, इसीलिए हमने हल्का सा ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है। जो कच्चे वाले ब्रेड के टुकड़े हमने लिए हैं उसे ही हमने सीरे में कोट करना है दोनों साइड से, हल्का हल्का सा चाशनी इसमें लगाना है। मैंने इस मिठाई को बची हुई चाशनी से तैयार किया है। अब चाशनी ना हो तो कोई बात नहीं, आपको खानी हो तो आप 1/4 कप चीनी 1/4 कप पानी अच्छे से उबाल लीजिए, आपकी भी चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। और अब हमने ब्रेड के वो टुकड़े लिए हैं जिन्हें हमने घी में सुनहरा किया था, इनको हम चाशनी में डुबाएंगे नहीं, इनके ऊपर बस एक साइड हमें अंदर की साइड ज़रा सी चाशनी लगानी है, बहुत हल्की सी जिस तरह से हम लगा रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा मावा लेंगे जो हमने तैयार किया है, इसके ऊपर रखेंगे अच्छे से और दूसरे वाले भाग से इसको हम कवर कर देंगे, इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। मावा रखने के बाद दूसरा वाला ब्रेड इसके ऊपर देखिए ऐसे ही रख कर हमें मिठाई तैयार कर लेनी है। एक और बनाते हैं, ब्रेड के टुकड़े लेंगे, ज़रा सी चाशनी लगाएंगे और दूसरे वाले पर भी अंदर की ही तरफ ज़रा सी चाशनी लगानी है, ऊपर नहीं लगाना है। थोड़ा सा मावा उठाएंगे, इस पर रखेंगे, अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे और फिर इसे भी ऐसे ही कवर कर देंगे, किनारे से भी सेट कर देंगे बढ़िया सा। और ये हमारी मिठाई बनकर तैयार है। इसी तरह से हमें बाकी भी तैयार कर लेने हैं। और अब हमने वो वाले ब्रेड उठाए हैं जिन्हें हमने फ्राई नहीं किया था, सिर्फ हल्की सी चाशनी दोनों साइड लगाई है, उसके ऊपर भी हमने मावा का थोड़ा सा भाग उठाकर रखना है। अच्छे से चारों तरफ फैलाने के बाद इन्हें भी सेम उसी तरह से हमें बनाकर तैयार कर लेना है। अगर किनारों पर हल्की सी चाशनी ना लग रही हो, ब्रेड वाइट वाइट दिख रहा हो तो इस पर ज़रा से उंगली की सहायता से इसको भी हम चाशनी से ढक देंगे। ये देखिए ये भी मिठाई बनकर तैयार है।
जितनी भी मिठाइयाँ हमें तैयार करनी हो इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। और ये हमने इतनी सारी तैयार कर ली हैं, एकदम बढ़िया सी मिठाई बनकर हमारी तैयार है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। और हमने फटे वाले दूध का भी इस्तेमाल कर लिया इसे बनाने के लिए, और जो चाशनी बची थी उसका भी इस्तेमाल हो गया है थोड़ा सा।